नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। महामारी के रूप में फैलने कोरोना वायरस से निपटने के लिए जहां प्रशासन मुस्तैदी से नगरीय और ग्रामीण क्षेत्र में जुटा है, वहीं अधिकारियों की व्यवस्था के चलते रेत माफिया बेफिक्र होकर नदी की सीना छलनी कर रेत का उत्खनन कर रहे हैं और मौका देखकर डंपर और ट्रकों के माध्यम से परिवहन कर रहे हैं। भितरवार में सिंध नदी गोंधारी घाट पर माफियाओं द्वारा किए जा रहे अवैध उत्खनन को लेकर मिल रही शिकायतों पर प्रशासनिक और राजस्व विभाग की टीम ने SDM KK सिंह गौर के मार्गदर्शन में छापेमार कार्रवाई की और नदी में चल रही एक पनडुब्बी को JCB से नष्ट कराकर आग लगवा दी और घाट पर डंप करके रखी लगभग 20 डंपर रेत को जब्त किया। भितरवार से संवाददाता कमल साहू की रिपोर्ट। अवैध रेत उत्खनन का शिकायत अभी 2-3 दिन से प्राप्त हो रही थी लगातार। अवैध उत्खनन लोहारी घाट पर शुरू हो गया है। कल भी हमने रात भर गश्त करवाई थी, परसों भी हमने करवाई थी। परसों हम खुद SDP साहब वगैरह सब लोग गए थे, परसों भी मौके पर रात में कुछ नहीं मिला। कल भी रात भर गश्त हुई तो कल भी रात में भी कोई गाड़ी निकलते हुए नहीं मिली। तो फिर आज दिन में घाटों पर जाके गश्त किया गया, पूरा सभी पुलिस बल था। मौके पर एक पनडुब्बी मौके पर मिली, उसको वहीं नष्ट किया गया, तोड़ा गया। एक पनडुब्बी जब तक हम लोग पहुँच पाते तब तक एक वहीं पर डूबो गए और वो समझ चला गया। एक पनडुब्बी शिवपुरी जिले की सीमा में बाहर लेके गया, यानी 3 पनडुब्बियाँ थी मौके पर। एक शिवपुरी जिले में बाहर के ले गया, एक डूबो दी गई, एक मौके पर हम लोगों ने तोड़ के नष्ट कर दिया।